सभी तो काम हो गए, जो शिवराज ने किए आज तक किसी ने किए ही नहीं। देश का भला होगा तो गरीब का वैसे भला हो जाएगा। मोदी काम अच्छा कर रहा है तो निशाने पे, जो काम सही करेगा वो निशाने पे रहेगा। कांग्रेस का तो वैसे बंटा डार हो गया, शिवराज 11 लाख वोटों से जीत रहा है। विकास किया है और जिस तरीके से देखो उनकी सोच है वो भविष्य की बात। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो मोदी जी के खिलाफ में आधी जगह भी लड़ रहे हो। ठीक है, पर उनकी पीआर बहुत तगड़ी है, जीत जाएंगे। मोदी जी ने उसको और अच्छे तरीके से जाके स्वयं वहाँ मौजूद रहे, जिस तरीके से उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा, तो जनता की आस्था के साथ जुड़े। अगर उस समय कांग्रेस की सरकार होती और हाईकोर्ट से फैसला आता, आपको लगता है ये मुद्दा सुलझ जाता? मोदी का राज्य जो सुलझ गया। नमस्कार, मैं अमित हयारण और इस वक्त हम भोपाल लोकसभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप सतलापुर में। अभी हम बहुत से मुद्दों से बातचीत करेंगे, बहुत से लोगों से मिलेंगे, हर पहलू पे बात करेंगे, हर बारीक से बारीक बात को उठाएंगे, हर छोटे से छोटे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, आइए हम साथ उनसे बातचीत करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? दीपिका सक्सेना। दीपिका जी, आप यहाँ ये होटल खुद चलाते हैं, आप एक वर्किंग वुमन है। हाँ जी। वर्तमान में आपको लगता है आज के जमाने में औरतें इतनी सक्षम है कि अपने मुद्दे, अपने आर्थिक पहलू को लेकर वो जो काम कर रही हैं, वो बहुत हाई लेवल तक जा सकती हैं? जा सकती हैं। सरकार जो योजना चला रही है लाडली बहना योजना, आपसे उसको कितना फायदा मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है उसमें, लेकिन हाँ औरों को तो मिल ही रहा है। महिलाओं के लिए वो योजना अच्छी सशक्त साबित अच्छी है। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? हमें इसलिए कि हम 60 के हो चुके हैं, इसलिए। अच्छा, हमारी उम्र 62 साल है। हाँ जी। आपको देख के लगता नहीं? आपके घर में, परिवार में किसी और को इस योजना का लाभ मिला? आपकी बहू है या आपके परिवार में और महिला है? नहीं, हमारे परिवार। क्या सरकार की तरफ से कोई लोन आपको ऐसी सुविधा मिली जिससे आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया? नहीं, नहीं मिली, हमें मिलना चाहिए। अभी जो वर्तमान में मोदी जी सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई गई थी पूर्व, अभी तो वर्तमान में सरकार आचार संहिता लगी है, काफी ऐसी योजनाएं थी महिलाओं को लोन वगैरह के लिए, आपने कोई अप्लाई करा उसके लिए? नहीं। आपको लगता है अगर आपको लोन मिलेगा तो आप इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते। वर्तमान सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या लगता है आपको कि वो क्या, किस क्षेत्र में और मुद्दे पे काम होना चाहिए? नहीं, वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा करें। महिलाओं के लिए क्या विशेष होना चाहिए, इनकी सुरक्षा को लेके, उनकी शिक्षा को लेके ऐसा कोई काम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो काम वर्तमान सरकार ने किया उसमें शिवराज सिंह ने ज्यादा अच्छे काम किए थे या वर्तमान मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा कर? अभी तो टाइम ही कितना हुआ है उनको, शिवराज सिंह ने तो किया ही है, ये भी करेंगे टाइम जैसे जैसे मिलेगा। शिवराज सिंह जी खुद को सबके मामा बन गए, सबके भाई बन गए, आपको लगता है जो काम उन्होंने किए वो मध्य प्रदेश में आज तक कोई मुख्यमंत्री कर पाया? अभी तक किसी ने किया ही नहीं था, उन्हीं ने किया था, सबसे पहले उन्हीं ने किया है, अब आगे करेंगे ये लोग। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, हम और लोगों से बातचीत करते हैं। या वर्तमान सरकार से आपको लगता है कि कुछ ऐसा मुद्दा जो सरकार ने अभी तक अनछुआ रखा हो, वर्तमान सरकार से आपकी कोई अपेक्षा जो अभी लगता है उस मुद्दे पे और काम होना बाकी? सभी तो काम हो गए, जो शिवराज ने किए आज तक किसी ने किए ही नहीं। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे, अपन जो अभी वर्तमान में चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, हम मोदी सरकार से अपेक्षा रख रहे हैं, कोई ऐसी मुद्दा या योजना आपको चाहिए जैसे और गरीब व्यक्ति का या आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति का भला हो? सभी का भला हो रहा, देश का भला होना चाहिए, देश का भला होगा तो गरीब का वैसे भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो कभी आपको कोई ऐसी योजना आप बता सकते हैं मुझे जिससे वर्तमान सरकार की इस योजना से आम मतदाता को बहुत फायदा हुआ, आम एक छोटे से व्यक्ति को भी बहुत फायदा हुआ? फायदा तो क्या, एक लाडली बहना योजना चला दी है और किसान सम्मान निधि योजना है और वो जो 5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है, पहले हुआ आयुष्मान कार्ड जो बना, पहले हुआ था नहीं हुआ। विपक्ष के निशाने पे हमेशा प्रधानमंत्री क्यों रहते हैं और किसी नेता का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मोदी काम अच्छा कर रहा है तो निशाने पे, जो काम सही करेगा वो निशाने पे रहेगा। पूरे मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है उनका, लेकिन पूरे विपक्ष के निशाने पे मोदी क्यों रहते? ये जो तरक्की करता है वो निशाने पे रहता है, कांग्रेस का तो वैसे बंटा डार हो गया। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको लगता है आने वाले साल में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? खत्म हो जाएगी ना, 2029 तक साफ है कांग्रेस। मध्य प्रदेश की जो भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है उनका नाम पता है आपको, कांग्रेस से कौन से? विदेशा संसदीय क्षेत्र। आपके यहाँ भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है शिवराज सिंह के अगेंस्ट खड़े हुए हैं शर्मा जनार्दन मिश्रा जी, काफी उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 70 से ऊपर की उम्र है। आपको लगता है कि उनको इस उम्र में चुनाव लड़ाने की, जो उनके अगेंस्ट खड़ा करने से कांग्रेस कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा था? कोई है ही नहीं, पूरी हमारा भोजपुर क्षेत्र साफ हो गया, सभी तो बीजेपी में आ गए। शिवराज 11 लाख वोटों से जीत रहे हैं, मतलब शिवराज रिकॉर्ड तोड़ेंगे आपको ऐसा लगा? अब की बार 400 पार की बात हो रही है, वो लग रहा है आपको कि वो 400 प्लस? सरकार ने जब जब बोला है, पिछले फर्स्ट चुनाव में जब 2009 के चुनाव थे, उन्होंने लोकसभा सीट के लिए बोला था हम 200 के पार लाएंगे और वो लाए, तो उन्होंने 300 के पार का नारा
बता दिया बोला, आपको लगता है 400 का पार बिल्कुल सही है? सही है बिल्कुल, 400 प्लस आएगी। कितने वोटों से जीतेंगे, लीड करेंगे अगर शिवराज? 11 लाख वोटों से। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे? एमपी का नहीं, वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। इसी मुद्दे पर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। सर, वर्तमान में आपको लगता है लोकसभा चुनाव की जो स्थिति अभी भोपाल में है उसमें किस पार्टी का रुख आपको ज्यादा बेस्ट लगता है? यार ये तो गलत हो जाएगा ऐसे बोलना। नहीं, पार्टी का रुख पूछा मैंने आपके, पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से पूछ रहा हूँ। बीजेपी बीजेपी क्यों लगता है आपको? अरे यार लगने की क्या बात है, आप देखो ना कितना डेवलपमेंट हो रहा है। शहर का डेवलपमेंट छोड़ो, देश के डेवलपमेंट की बात। ऐसा करो, भोपाल से आप होशंगाबाद जाओ, भोपाल से आप राजगढ़ जाओ, पुणे जाओ, भोपाल से आप इंदौर जाओ। पहले कभी आपने सोचा था कि अपन जाके वापस आ जाएंगे? एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था। अभी पॉसिबल है जहाँ खड़े हो आप। अभी आपको मैं ये कहूँ कि होशंगाबाद रोड पे चले जाओ, कोई लिंक यहाँ से नहीं है। आप कितने किलोमीटर घूम के जाओ, 4 लिंक जा रहे हैं। आप यहाँ से अभी मोटरसाइकिल उठाओगे 2 मिनट में मिश्रत पहुंच जाओ, 2 मिनट लेंगे। आपको लगता है जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं, जो सरकार ने जुमला दिया सबके साथ सबका विकास, उन्होंने विकास भी विकास किया है? और जिस तरीके से देखो उनकी सोच है, वो भविष्य की बात करते हैं। और अगर कांग्रेस की देखो तो वो उनके बात कैसे बताओ, नेता कौन है? ये तो हम खुद एक मतदाता से पूछते हैं कि आपकी नजर में मोदी जी के अगेंस्ट पार्टी, अगर अपन पूरे अलायंस को जोड़े, इंडिया अलायंस को, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो? भूल भी जाए अपन बीजेपी? जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो आप और मैं किसको चुने फिर, है कोई? वही हम आपसे पूछ, अब 10 दूल्हे खड़े हुए हैं, किसको मतलब वही प्रॉब्लम। और उन सब में भी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो मोदी जी के खिलाफ में आधी जगह भी लड़ रहे हो। अपन मुद्दों पे बात करें अगर खाली, अगर सरकार को पक्ष और विपक्ष के दोनों मुद्दे एक साथ रखें, तो अभी राहुल गांधी प्रेजेंट में हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए की नौकरी देने की बात कर रहे हैं और 8,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में देने का। आपको लग रहा है ये एक हवा हवाई वाली बात है, ये पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। देखो सब देश का बजट जो है ना 45 लाख करोड़ का है। आप अगर हर महिला को किलो 1,40,00,000 के अंदर में आपके पास 70 करोड़ महिला है, 70 करोड़ दोगे तो आपको 70 लाख रुपए चाहिए। आपके नेशनल बजट का 50% भी नहीं कलेक्ट होता तो कहाँ से दे देंगे? जुमले हैं ऐसे जुमले। अच्छा हारा हुआ आदमी क्या होता है ना, वो कुछ भी, अपन जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ग्राउंड के बाहर से छक्का मारने की कोशिश करते हैं कि अपन मार लेंगे। अरे भैया जो बैठा ना पिच पे उसको पता होता, तो मोदी जी बिल्कुल जमीन की बात। वर्तमान में जो बीजेपी कैंडिडेट भोपाल से हैं आलोक शर्मा, वो एक्स मेयर भी रह चुके हैं, आपको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस भोपाल के विकास के लिए बहुत काम आएगा? बहुत पुराने आदमी है, 100% काम आएगा। कम से कम 20 साल से पुराने भोपाल के वो आदमी, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है यार। अब ये श्रीवास्तव जी कौन है, कौन खड़ा हुआ है? अरुण श्रीवास्तव, उनका नाम ही नहीं पता आपने, कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? 1980 से राजनीति कर रहे हैं, वो NSUI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। ऐसा डमी कैंडिडेट क्यों ढूंढा कांग्रेस ने? क्या उनको कोई भोपाल में इनके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था? कैंडिडेट नहीं मिल रही है भोपाल में कांग्रेस के लिए, कोई कैंडिडेट नहीं है। बहुत पहले वो थे, क्या नाम था, भोपाल लोकसभा सीट से 1984 में लास्ट के प्रधान बने थे इस सीट से, उसके बाद से बीजेपी ही इस सीट पे लगातार जीतती आई। नहीं यहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे, उनकी डेथ हो गई, वो एक व्यक्ति थे जो सबको लेके थे। पुराने आजम के बाद भोपाल से जुड़ा हुआ आदमी कोई दूसरा नहीं। कांग्रेस अगर आरिफ अकील को खड़ा करते तो शायद ज्यादा वोट। नहीं, पीसी शर्मा जी भी दावेदार थे लेकिन उनको नेगलेक्ट किया गया। पीसी शर्मा जी MLA तक ठीक थे सांसद के लिए, MLA तक। लेकिन आलोक शर्मा जी भी तो अभी 2 विधानसभा चुनाव हार, ठीक है, पर उनकी PR बहुत तगड़ी है, जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं इनकी लॉबिंग है जो राजनीति बीजेपी में वो बहुत तगड़ी है। शिवराज सिंह से बहुत अच्छे संबंध है, मोहन यादव जी से बहुत अच्छे संबंध है और BD शर्मा जी से अच्छे संबंध है, काम भी बहुत। देखो कोई आदमी हारता या जीतता उससे ज्यादा फर्क नहीं होता, उसके बाद भी वो जुड़ा रहता है कि नहीं। अगर ये श्रीवास्तव जी जुड़े होते तो लोग जानते ना, जैसे यहाँ से अभी खड़े हुए थे ध्रुव नारायण सिंह, खड़े हुए थे ध्रुव नारायण सिंह, क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि वो जमीन से जुड़े ही नहीं रहे। स्पिरिट जो उन्हें एक बीच का जो गैप हो गया था उनके राजनीतिक करियर में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान। बाद में कहूंगा जो हमारे कांग्रेस के MLA हैं यहाँ से, उनका हालांकि जहांगीराबाद के उससे वोट उनको ज्यादा मिला, लेकिन उन्होंने काम किया सबसे, वो व्यक्ति काम से जीता है। हाँ हमारे यहाँ बहुत काम किया आरिफ मसूद जी ने, बहुत काम। आदमी अपना पढ़ा लिखा हो गया, वो चीज से नहीं होता उनको, जुमलों से कोई नहीं जीतता। आरिफ मसूद अगली बार, और आरिफ मसूद जी को आप लगता है कि धर्म के आधार पे ना चुन के हमने विकास के मुद्दे 100% हमने दिया आरिफ मसूद, हमने भी आरिफ मसूद को वोट इसलिए दिया कि उसने विकास किया, वो काम की बात, काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। ये धर्म और ये सब तो यार साइड की बात। राम मंदिर के मुद्दे पे आपको लगता है सरकार को कहीं ना कहीं से प्लस कुछ फायदा मिलेगा? होगा, देखो देश के 30-40% लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो इन मुद्दों की तरफ सेंटिमेंटल उस पर ध्यान देते हैं। नहीं लेकिन ये सेंटिमेंटल मुद्दा इसलिए भी है सर, क्योंकि 500 वर्ष हमने उसकी प्रतीक्षा करी है और एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा था आजादी के बाद से, जब से देश आजाद हुआ है हर सरकार ने उस मुद्दे को बनाया है। मोदी जी ने क्या किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला।
यही बात मैं आपसे मुद्दे की मंदिर भी ट्रस्ट ने बनाया, मंदिर भी ट्रस्ट ने बनाया क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो वो जाके उन्होंने उद्घाटन किया। उनके कार्यकाल में अगर इस मुद्दे को सुलझाया या हाईकोर्ट की वजह से सुलझाया तो हम फिर दोष भी मोदी जी को क्यों देते हैं कि मोदी जी ने इस मुद्दे को सुलझाया। नहीं विपक्ष क्यों ऐसा बोलता है? वो विपक्ष बोलता है, वो बोल दोष नहीं, जो प्रधानमंत्री होगा उस समय में जिस समय ये मुद्दा सुलझा उसको वो क्रेडिट मिलनी चाहिए और मिली तो मोदी जी ने वो किया और मोदी जी ने उसको और अच्छे तरीके से जाके स्वयं वहां मौजूद रहे जिस तरीके से उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा तो जनता की आस्था के साथ जुड़े। एक आम नागरिक के नाते वो वहां गए थे कि अगर ट्रस्ट ने मुझे मौका दिया है कि मैं वहां पूजा करूं तो इस वजह से, तो उसके लिए आपको लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष ने उस मुद्दे का राम मंदिर का बहिष्कार करके बहुत बड़ी गलती करी? बहुत बड़ी गलती की, उनको जाना था, मंदिर था, मंदिर तो सबका है, उनको वहां चले जाते तो आज की डेट में ये न्यूट्रल हो जाए। चलिए हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस मुद्दे पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं और इस मुद्दे को और गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर ये सरकार फिर से आना चाहिए? क्यों नहीं आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। सही बात, पूरे काम किए हैं, गाँव में, सड़कों में, शहरों में हर जगह रोड बने हैं, हर जगह समस्या का निराकरण अच्छा हुआ है और हर जगह गरीब लोगों को फूटी भी मिली है, आवास योजना की फूटी मिली है और मोदी आने से क्या है, बहुत अच्छा काम हुआ है। कांग्रेस ने क्या करा इससे पहले बताइए आप? काम कई दिनों से रुका था, वो काम भी सही हो गया। अगर उस समय कांग्रेस की सरकार होती और हाईकोर्ट से फैसला आता आपको लगता है ये मुद्दा सुलझ जाता? नहीं सुलझता, मोदी का राज है जो सुलझ गया, नहीं सुलझ। तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस बात का उनको क्रेडिट देंगे कि मोदी जी की वजह से मुद्दा? मोदी जी को ही आना है जी। तो इस मुद्दे से वर्तमान चुनाव में कितना फायदा होगा सरकार को? मोदी है तो मुमकिन है और मोदी रहेगा तो देश बिल्कुल पुल पे है, इसलिए अपन को मोदी एंड बीजेपी फिर से आना चाहिए और आएगी बहुमतों से या उससे ऊपर। जो 400 पार का नारा है आपको लगता है वो 400 पार होगा? 500 पार होगा मेरे भाई, 550 पार होगा, आपको क्या लगता है? ठीक बोल दिया भैया, अब की बार 400 पार आएगा। लेकिन कांग्रेस कहती है हम आपको 8,000 रूपए महीना फ्री देंगे हर महिला को, 1,00,000 रूपए की नौकरी देंगे हर युवा को, ऐसा पॉसिबल है? वो तो मेरे को नहीं आइडिया है भैया। 1,00,000 रूपए की सैलरी की नौकरी हर इंसान को मिलना पॉसिबल है? नहीं 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 है, पब आदमी को कहाँ है भैया बताइए। जो न्याय यात्रा निकाली थी उनने आम आदमी के लिए आपको लगता है कहीं ना कहीं वो सफल, कितने परसेंट सफल हुई? राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा निकाली थी आपको लगता है कहीं वो जीरो है यार, कोई कुछ नहीं सफल है, सफल कहाँ है? चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब आप सबसे बातचीत के लिए। भोपाल के नागरिकों से जो अभी हमने मुद्दों पे चर्चा करी है तो बेवाक राय रखने वाले लोग हैं। एक आम मतदाता अब हर विषय पे बातचीत करना चाहता है, हर मुद्दे पे अपनी राय रखता है, उसके लिए देश के मुद्दे भी हित रखाते हैं और आम मुद्दे भी हित रखाते हैं, तभी वो अपने मत का प्रयोग करता है। मैं सभी मतदाताओं से भी प्रयोग इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान करें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें ताकि वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ देश के मुद्दों को जो सुलझाने में आपका सहयोग मिले। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए अमित नारायण में खबरदार न्यूज के लिए।